सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे अपने मोबाइल को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की तरह कैसे बना पाएंगे। जी हां दोस्तों, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की तरह लुक कैसे दे पाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे मोबाइल का लुक विंडो 10 की तरह दिख रहा है, आप भी ऐसे ही विंडो 10 की तरह लुक कैसे दे पाएंगे, तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में दिए गए उस बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसे यूज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर यूज नहीं बताऊंगा आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यूज बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां देखिए स्टार्ट बटन है, जैसे कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन होता है तो यहां पर भी स्टार्ट बटन है, तब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे सारी फोल्डर है, आप जिसे चाहे देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर पर आप यूज करते हैं। तब हम क्या करें, यहां देखिए क्रोम है, आप यहां डायरेक्ट क्लिक करके नेट चला सकते हैं, यहां पे क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं और यहां पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन बार को भी चेक कर सकते हैं, इस पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जो चाहे आपके मर्जी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां देखिए यूजर लिखा हुआ है, अब हम उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद यहां देखिए पूरा कंप्यूटर वाला लुक आपके मोबाइल पे आ गया है। तब हम क्या करेंगे, यहां देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है और लोकल डिस्क लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटर पे होता है। तो चलिए लोकल डिस्क पे क्लिक करते हैं। लोकल डिस्क पे क्लिक करने का देखिए आपका मोबाइल का मेमोरी का जितना भी फोल्डर है वो सब कुछ आ गया है, आप यहाँ बड़े आसानी के साथ सब कुछ देख सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। या फिर दिस पीसी पे क्लिक करके आप फोल्डर को सिलेक्ट करके भी कुछ कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर पे नया फोल्डर बनाया जाता है वैसा फोल्डर यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी नया फोल्डर बना सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर कुछ टाइम ऐसे होल्ड करके रखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा वॉलपेपर क्रिएट फोल्डर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये सब कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह लुक कैसे दे पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे कंप्यूटर लॉन्चर फॉर विंडो 10, यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरह का भी आप टाइप करेंगे। तो चलिए इसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कंप्यूटर लॉन्चर फॉर विंडो 10, उसके नीचे जो रिलैक्स ऐप लिखा हुआ है आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फर्जी वाला वाला ऐप है, आप इसे मत इंस्टॉल कीजिएगा। जिसके नीचे रिलैक्स ऐप लिखा हुआ होगा आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा ये एप्लीकेशन, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल का लुक कुछ इस तरह का हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टार्ट का बटन है जैसे मैंने बताया था आपको, तो अब हम उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद बस आपको एक सेटिंग कर लेना है, वो वाला सेटिंग यहाँ पे आपको करना है। तो चलिए इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। उस पे क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉट सेट एज डिफॉल्ट, तब हम उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन वो देगा, तो आपको लेनोवो लॉन्चर यूज करना है यानी कि आपके मोबाइल का जो डिफॉल्ट लॉन्चर है उसको यूज करना है, या फिर कंप्यूटर लॉन्चर को। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर लॉन्चर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए उसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर देने का हमारा मोबाइल का लुक कंप्यूटर की तरह हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसे बताया आप उस तरह का यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा के बहुत ही वाह वाह ले सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर कोई अपने मोबाइल का लुक विंडो 10 की तरह कर सके। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।